हाय विवान, जैसे तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर पेरिस से। पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं 2024 के। पाकिस्तान के एथलीट जो हैं अरशद नदीम, हीरो अरशद नदीम, उन्होंने आपको पता कि कल जीता था तराई तमगा, यानी कि गोल्ड मेडल। बहुत ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान के लिए। मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। ये ऐसी है जैसे आप वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों की जो फोकस है वो क्रिकेट पर होती है। अब हॉकी जो कौमी खेल है उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता, लेकिन अरशद नदीम ने आज से नहीं, इससे पहले भी कई साल पहले आपको पता है कि एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, वहाँ पे भी मेडल जीते हैं। अब तो एक तरह से ना एक टॉप परफॉर्मेंस है कि उन्होंने अपने रवायती हरीफ नीरज चोपड़ा, जो कि उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनके साथ दोस्ती भी है और बड़ा अच्छा जेस्चर है, दोनों देते हैं एक दूसरे को। उन्होंने ये फाइनल मुकाबले से कबल एक दूसरे को विश भी किया। अब नीरज चोपड़ा की वालदा ने ज्योति, उनका नाम है ज्योति साहबा, उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा नीरज जो है उसने सिल्वर मेडल जीता, सेकंड नंबर पे आया, लेकिन अरशद नदीम भी मेरा बेटा है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है, ज़बरदस्त मैसेज है। उनकी मैसेज को ज़रूर आप भी सुने। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में सहूलतें थी अरशद नदीम के पास जो नीरज चोपड़ा के पास थी? बिल्कुल नहीं। नीरज चोपड़ा के पास कहते हैं कि 1500 वो नेज़े हैं, जेवलिन जिसको बोलते हैं, लेकिन अरशद नदीम के पास एक था और वो भी शायद टूट गया था और एक भी वो अफोर्ड नहीं था कर सकता। तो अब ये सूरत हाल है कि अब वो पाकिस्तान में तो ठीक है, तारीफ़ों के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, और अगर कोई कल को क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा अरशद नदीम की कामयाबी का तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के साथ अपने आप को मनवाया है। ठीक है, तो अब ऐसे खिलाड़ियों को सिर्फ इनामों करामात ना दें, इनामात भी दें, ज़रूर अप्रिशिएट करें, लेकिन इनके लिए आने वाले दिनों के लिए कोई प्रॉपर अकेडमीज बनाएं, अपने कोई इनके लिए सहूलियत फराहम करें। मैं देख रहा था कि रऊफ क्लासर जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इतनी खुशी होती है, अब मुझे समझ में आई है कि जब कोई मेडल जीता है तो किस तरह पूरी जो कंट्री है वो सरशार होती है किसी जज्बे से। तो इसलिए दीगर ममालिक जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं खिलाड़ियों के ऊपर। और एक और बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है, इनके आपसी ताल्लुकात के लिए, कि दोनों खिलाड़ियों ने, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने, एक दूसरे के हमेशा खैर सगाली का पैगाम दिया। तो अब सियासतदानों को भी सीखना चाहिए कि बस कर दें ये जो नफरत का सौदा है ये वो सारा। तो बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम को, उनके ख़ानदान को, पूरे पाकिस्तान को, और दुआ करें कि ये पॉजिटिव चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान का मुकद्दर बने। और 24 करोड़ की आबादी और सिर्फ 7 जो हैं एथलीट गेम हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से, लेकिन ये देखने के इससे भी पता चलता है कि जिस कंट्री की डिक्लाइन है हर लिहाज से, तरक्की नहीं है, तो वहाँ पे इसका मतलब खेलें भी जो हैं वो फ़रोग नहीं पा रहे, सिर्फ 7 एथलीट गए, फिर भी बड़ी हिम्मत है कि वो तलाई तमगा जीत गए। और एक और बात बता चल रहा कि एक शूटर भी हैं इन 7 खिलाड़ियों में, उनका नाम है गुलफाम जोसेफ, वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, तो वो भी यानी कि इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया, लेकिन शायद कोई तमगा वगैरह तो नहीं जी सके, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वो जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पॉजिटिव पैगाम है। थैंक्स फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।